अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल भाई। मैं हारून शेख रिपोर्टर और मेरा भाई दानिश कैमरा मैन। आज ऐसी हस्ती से मिलाने वाला हूँ भाई, वो किसी मंत्री जंत्री से किसी कम नहीं है। जैसे हमारे हिंदुस्तान का मंत्री मोदी साहब हैं और ऐसे कबूतरबाजी की लिस्ट के अंदर भाई किसी मंत्री से कम नहीं है हमारे भोलू भाई। और आने वाले टाइम के अंदर भाई इनको अगर कबूतरबाजी के इलेक्शन अगर हुए तो हमारा भोलू भाई की जीत होगी अल्लाह के फजल करम से। और मेहनत इस छत के ऊपर और बाकी इनके भाइयों की है। मैं अपने अरशद भाई से बात करूँगा बाद में। भोलू भाई साहब, अरशद भाई माशाल्लाह से आज हवा भी बनती बिल्कुल भी, यानी कि कबूतर खुला, खुलने के बाद कबूतर ने आधा कबूतर ऊपर चले गया, आगे आधा नीचे रह गया। उसके बाद यही ऐसा क्या है, आप दोनों के अंदर क्या सलाह मशवरा करते हो आपस के अंदर जो कबूतर की ये रंगत आई थी? ये तो भाई इस छत पे जितने लोग आए हुए इन सबकी मेहनत है और ऊपर वाले की दुआ है अपने साथ। किसी का बुरा चाहते नहीं, अल्लाह हमारा अच्छा करता है। बार 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 भोलू भाई एक ही बात कहते हैं, एक ही वर्ड है। मैंने हर बात में जब भी कोई बात निकलती है तो एक ही बात कहते हैं, भाई अरशद मेरे भाई है, अरशद मेरे भाई। दूसरा कोई वर्डी इनके मैंने के मुंह पर नहीं सुना आज तक कभी। तो भाई यही अपना है, भोलू अरशद एक ही हैं। कोई सी भी छत उड़ाए दोनों में से हम ही उड़ाएंगे और कोई नहीं उड़ाएगा। आज आने वाले टाइम के अंदर ये 1500 कबूतर का इतिहास रचने जा रहा हो, क्या नाम है, दोनों भाई मिलके आपस में। क्या है अगला टारगेट इसका? बस दुआ करो अल्लाह, इंशाल्लाह उड़ाएंगे ऐसे ही। देखो अल्लाह की मदद तो है। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, कोई काम करने से पहले आप अल्लाह को शामिल कर ले। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जी नहीं, वो न्यू बात में जब परेशानी आई थी कुछ आई थी जब अल्लाह को याद करते हैं। आप बात करने से पहले अल्लाह को शामिल कर रहा हो तो मदद क्यों नहीं आएगी? हाँ इंशाल्लाह ज़रूर आएगी मदद। अरशद भाई, हमारे जो भोलू भाई हैं इतनी सादगी है और आपके अंदर भी मैंने कई दफ़ा आपसे भी मिला, कोई मैं चीज़ नहीं है, यानी इतने कबूतर उड़ने के बाद आदमी के तो पैर ज़मीन पर होने नहीं चाहिए। भाई अगर ऐसा करेंगे तो उड़ेंगे भी नहीं। आज अगर हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर अगर हमारे कोई पहचान है ना, हमारी पहचान है दिल्ली के बाहर, अमेरिका में मैंने उड़ते हुए कबूतर देखे हैं। वो देखे भी क्या हमने, यूट्यूब वगैरह पे देखे हैं। और उसके बाद इंडिया के अंदर आज हमारी पहचान इन कबूतरों से है, क्या नाम है, 1100 कबूतरबाजी की लिस्ट के अंदर के 1100 कबूतर हमारे भोलू भाई की छत के ऊपर। कोई उनसे पूछता भी था कहाँ रहते हो भाई, कह लगे भाई कबूतरबाजी करते हो, हाँ कबूतरबाजी करते हैं, कह लगे कहाँ रहते हो, कह लगे भाई इंडिया में, कह लगे वो भोलू भाई और अरशद भाई। आज ऊपर वाले ने ऐसा ही बुलंदी भी आपको कर दिया, अगर इलेक्शन हुए कबूतरबाजी की लिस्ट के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि आप हारोगे इस इलेक्शन के अंदर। क्यों, सबसे बड़ी मदद क्या है, अल्लाह की मदद है जी। अल्लाह की मदद सबसे बड़ी वो है, मेन कहते हैं ना दुनिया रुट जाए एक खुदा रुटने चाहिए। आपने उन्हें पटा रखा है, क्या कर रखा है ऊपर वाले को, क्या ऐसा कनेक्शन है? देखो जी ये तो यही है कि इस छत पे एक तो माशाल्लाह लोगों की जो आर जा रहे और सब अपने हक में आते हैं, कोई ऐसा नहीं आता, शौक देखने वाले भी आते हैं तो वो भी माशाल्लाह से है ना दुआ ही करते हैं कि भाई यहाँ का कबूतर माशाल्लाह बहुत बढ़िया उड़ता है और हर मौसम में उड़ता है। अब आज का मौसम ऐसा है लोगों के छत से नहीं लाए, और अभी 4 दिन पहले जो हवा चली थी किसी का कबूतर चढ़ा नहीं था, 25 की स्पीड से हवा थी और माशाल्लाह से अपना कबूतर जब भी हवा पे चढ़ा था, बंद में भी चढ़ा और तेज़ हवा में भी चढ़ा। अरशद भाई मैंने ये चीज़ देखी है इन 1120 कबूतरों के अंदर, लोगों के बड़े बड़े उस्तादों के भी भाई मैंने खेल देखे हैं और सब अपने हुनर के फन के मालिक होते हैं। लोगों के 1100 कबूतर के वाले, ये तो 1120 कबूतर हैं, लोग 100 कबूतर नहीं जोड़ते। आपने ये 1120 कबूतर किस तरह जोड़ रखे, क्या है सर? ये तो बोलो भाई इधर बताओ जी किस तरह से जोड़ रखे हैं। बोलो भाई अल्लाह से कनेक्शन तो आपका है और ये तो जाहिर दिख रहा है, इतने पीटने के बाद ही घंटा भर हो गया, कबूतर की कंडीशन देख लो, आज भी कबूतर सिमटा हुआ है और गर्म हवा के अंदर भी कबूतर जा रहा है। ये लोगों के 100 कबूतर नहीं सिमट पाते, आपने 1120 कबूतर जोड़ रखे उस्ताद जी। बोलो भाई क्या है? सभी उस्ताद खलीफाओं को मेरा अस्सलाम वालेकुम भैया, राम राम सतिकार। देखो भाई ना तो हमारी ताकत है और ना कुछ है, अब जब अल्लाह राजी है हमसे और अल्लाह को हमने राजी कर रखा, पूरी दुनिया खिलाफ़ हो जाए अल्लाह राजी रहना चाहिए, और ये अल्लाह के हुकुम से उड़ना है, वो चाहेगा तो उड़ाएंगे और वो चाहेगा तो नहीं उड़ाएंगे, खेल पानी सब एक तरफ रखा रह जाता। और लोग जो गरूरियत करते हैं उनकी नादानगी है, अल्लाह उड़वाने वाला अल्लाह ही करने वाला जो पूरी दुनिया का मालिक है।
और देखो हारून भाई, आपको भी बहुत टाइम हो गया मेरे भाई हो तुम। यहाँ जितने मेरे यार दोस्त हैं और जो यहाँ मौजूद नहीं है, उनकी सबकी मीनत है भाई। वो हर चीज़ से शौक कर रहा है, और ये आपके शौक जो हो रहा है वो सब मेरे भाइयों का, यार दोस्तों का हो रहा कर रहा है। तो अल्लाह को इन्होंने राज़ी कर रखा, हमारी क्या ताकत है। अभी हमारा एक पीर भाई कह दिया था अब उधर, तो मैं भी 15 दिन के बाद घट करता। हमारे उस्ताद से वो लोग रुक नहीं रहे, वो कह दिया हमारी तालीम में रहें तो 1100 उड़ा लिया, उड़ा के दिखावे। तो इस बहस पे 1100 कबूतर घट करेगा, अंत 1120, और इंशाल्लाह 10-15 दिन में मैं कबूतर 400-500 15-20 दिन के अंदर और मिला दूँगा। खोले मैंने 300 कबूतर, अल्लाह उड़वागा तो उड़ाएंगे भाई। और ये तो तुम्हें मालूम है अरसद और हम एक और एक। हाँ भाई, ये भोलू भाई हमारे और न्यू टैलेंट है, बिल्कुल बिल्कुल न्यू टैलेंट। और इन्होंने अब इन्होंने अल्लाह का उस्ताद बना लिया बिल्कुल, और उनसे कनेक्शन कर लिया है। अब वो क्या कनेक्शन है ये दोनों भाई बता सकते हैं। अब ये दोनों भाई किसी को बताना चाहते नहीं। एक बात भाई, हमारे दो भाई हैं, एक सदर साहब, एक भाई का मैं नाम नहीं ले सकता, वो भी हमारे साथ हैं, और इलाके वाले भी हमारे साथ हैं। भाई रिजवान हुए, बल्ली वल्ली, ये मेरा मस्कूर भाई बैठा, इंतजार भाई हैं, जितने भी भाई यहाँ पे आ रहे हैं। ये छत सबकी है, मेरी अकेले की नहीं है। बहुत बड़ी भाई, तालियां बजा दो भाई इस बात के ऊपर। मेरी छत नहीं है, सबकी है। और बहुत बड़ी बात है, इतने कबूतर उड़ने के बाद आदमी कहता है भाई मैं। और सबसे बड़ी बात क्या भाई, इन्होंने एक ही बात की है कि मेरे अरशद भाई हैं और मैं हूँ, और ऊपर अल्लाह है, और बाकी जितने भी मेरे सारे भाई हैं ये हैं मेन सारे भाई मेरे जितने भी मिले हैं, और सबकी मेहनत है यहाँ पर जितने भी। और भाई इस मौसम के अंदर, इस गर्मी के अंदर बड़ा बड़ा कबूतर सर पर बैठ जाता है, और इसको सिमट के जाना और उसको पल्ला मारना, तीन हाथ कबूतर लापता दिखना बंद हो गया था बिल्कुल। भाई आपको ये भी मालूम है कबूतर कितने दिन के हैं इसमें? भाई हाल फिलहाल में कबूतर 3 दिन में खुले, 2 दिन में खुले, इस तरह खुले, शाम को आए दूसरे दिन खुल गए, इस तरह खुले कबूतर। और भाई ये मेहनत एक जज्बा है, ये इनकी ताकत नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की है, अल्लाह की तरफ से मदद है। और सभी उस्तादों से मेरी एक गुजारिश है, अगर किसी को सागिरद बनाओ और उसे खलीफात दो तो उसे मान सम्मान दो, उसे सिखाओ। मैंने अपने 25 साल ख़राब करे हैं पूरे, जब से होशमाला में इसी तालीम में था। मेरे उस्ताद जी ने मुझे कुछ नहीं बताया एक खोल के अलावा, मैं कहते कहते मुझे गोली देते थे, इसलिए मैंने तालीम छोड़ी। न मुझे उस्ताद ही बनने का शौक़ है न किसी चीज़ का, मेरा तो अल्लाह साथ रहना चाहिए। और आज जो ये छत उड़ रही है, ये अरसा तो भोलू उड़ा रहा, और अल्लाह उड़वा रहा, और नूटल की उड़ रही है, ये कोई भी आन के देख सकता है। बिल्कुल भाई, हमारी एक पहचान रह गई कबूतरबाजी के अंदर, एक पहचान है हमारी के कैन में दिल्ली के अंदर के भोलू भाई, जिन्होंने 1100 कबूतर उड़ा दिया। अब भोलू भाई वो 1500 कबूतर टारगेट, अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ने में भाई कुछ जी ऐसा ही है। देखो भाई, मेरे को देख के भाई मैं समझो इन कबूतरों को रख रखाओ और केयर करना बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात। अभी 100 कबूतर नहीं संभाल पाता, और अकेला हाथ से उड़ाना और इतना गर्म होने के बाद कबूतर फिर जाना, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। 1700 कबूतर है इस टाइम छत पे, जिसमें अभी मेरे किसी भाई ने, मैं तो किसी को रोकते ही ना, मैंने क्या कहा सबकी छत है, जहर डाला गया अभी मेरे हैदराबादियों को। मेरे 10-12 दिन के अंदर 200 हैदराबादी मरे हैं, 350 अल्लाह ने बचवा दिए, 400 कबूतर अल्लाह का काम था, ना सभी मर गए थे वो, और वो उड़ना 350 अलग उड़ना है, और 301 कबूतर अभी खोले हैं। कुछ तो 5 दिन में आए हुए ओखले से, उस्ताद लाल तालीम की छत थी, वो भी ताबे कर रहा है, अभी खुलेंगे तो इनके बाद में, और हैदराबादी अलग उड़ना है, और खोलवा ला के इंशाल्लाह। देखो मेरे भाई, जिस भाई ने भी ये काम करा, कभी रात को बैठ के सोचियो लेट के, जब क्यों दिन में हमें याद नहीं आता, दिन में हमें कभी याद नहीं आएगा, जब लेटे जिस टाइम तेरे को नींद आ रही हो, सोचियो 10-5 मिनट के सोचियो कि मैंने ये क्या करा, तेरी सारी हसरत आएगी। और असल है ना असल, तो पैरों में आगे गिर जाइयो बस, इस सदा में कुछ नहीं था, या उससे तोबा मांग लियो, कम से कम एहसास तो हो जाए भाई। बहुत इतना गुनाह है, जानवर की कोई बख्शिश नहीं है भाई, क्या नाम है सीधा जन अपने क्या गलती, अगर कुछ करना था, कुछ वार करना था, कुछ करना था, बोलू भाई क्या कर, सीने में मार देता तू आन के, पर नहीं मेरे भाई ये गलत है, बहुत गलत है। और भाई आज कबूतरबाजी की लिस्ट के अंदर हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हमारे कबूतरबाजी के प्रधानमंत्री भोलू भाई हैं, और अरशद भाई किसी से कम नहीं है मेरा भाई। आज भाई इसी खुशी में अपने MD बर्ड्स की तरफ से मैं इनका स्वागत करूँगा भाई। बल्ली है, जिया भाई है, छोटा है, भाई है, एक मेरा भाई 22 मेरा भाई, कबूतरबाजी की लिस्ट के अंदर आदिल सब हमारे मुख्यमंत्री बोलू भाई, मैं इनका स्वागत कर रहा हूँ भाई। 1120 कबूतर फिर हम बंद हवा के अंदर ला बता, तीन हाथ कबूतर ला बता रही है। अरे एक मिनट में आ जाओ, आ सके
11 हमारे अर्शद भाई, पूरी मेहनत और पूरा सहयोग दोनों भाइयों का भाई। छोटे खलीफा दे भाई इनका बड़ा प्यार है, मैंने बड़े भाई है अरुण भाई, भाई आज मार्केट से आए हैं भाई, और ये मेरे बड़े भाई इंतजार भाई है, भाई मेरे यार दोस्त अभी यहाँ पे नहीं है, जिया भाई है, रिजवान भाई है, और भाई अच्छा लगता है आओ, और मुझसे किसी का भी दिल दुखाओ मैं हर वीडियो में माफ़ी मांगता हूँ भाई, मैं माफ़ी चाहता हूँ आगे हाथ जोड़ के। मेरा नाम इंतजार अहमद है, मेरा तालीम से हो मैं उस्ताद इनकी तालीम से था पहले तो अच्छा, किस तालीम से उस इनके बोलू भाई के साथ जी, हम तो उस्ताद जी के साथ थे, बोलू भाई के साथ थे हम तो पहले से, अब इन्होंने छोड़ दी तो भाई हम तो यही आ रहे हैं बस। अच्छा तुमने आज जो कंडीशन जो थी 1120 कबूतर उड़े यहाँ पर, क्या कर इसमें क्या चीज देखी आपने? बहुत बढ़िया उड़े माशाल्लाह, तीन हवा ऐसे गए कि तुमने आपने भी देखे हमने भी देखे कि बस लाजवाब को उतर गए तीनों हवा। मेरा कहना तो ज्यादा चुप जाए किसी को, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, वरना मेरे दिल में तो बहुत कुछ बातें ऐसी हैं, अगर मैं पटूंगा तो फिर मैं ही बोलूंगा फिर कोई नहीं बोलेगा। बहुत बढ़िया गया तीन हाथ, इतना बढ़िया गया कि लाजवाब को उतर गया, सबने देखा पूरा जाफराबाद में। कबूतर में कोई फटास वटास कुछ कबूतर में कुछ नहीं थे, कुछ नहीं थी बिल्कुल, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, फटास सिमट के गया कबूतर, बिल्कुल बहुत बढ़िया गया कबूतर। तो इससे पहले जो हमारे भोलू भाई ने 1050 कबूतर उड़ाए थे यहाँ पर, हाँ उसमें भी हम थे, तो अब इन्होंने ये 1120 कबूतर ये आगे करे कबूतर, और जितनी समट कबूतर के अंदर, और हवा नहीं थी बिल्कुल, अगर हवा होती तो कबूतर पता नहीं कहाँ जाके कहीं भागा कहाँ का जाता, और अब भी माशाल्लाह रोड पार करके आया कबूतर, बहुत आगे गया कबूतर, अब भी बहुत शानदार गया। हमारे इंतजार भाई हैं भाई, इन्होंने भी देखा क्यों आने वाले के ना रुचका बेगम भाई, भाई आप कहाँ से भाई? मैं नूरी लाई से हूँ। अच्छा, आप जब इस टाइम कबूतर खुले नहीं पड़ते? मैं जब कबूतर खुला यहीं पर था, मैंने देखा कबूतर माशाल्लाह से बहुत अच्छा उड़ा और काफ़ी मज़ा आ रहा है, 1100 कबूतर पहली बार फर्स्ट टाइम हमने किसी के उड़ते हुए देखे हैं, और माशाल्लाह से भोलू भाई का तो पहले इलाके में नाम है। मैं दूसरी जगह किसी पार्टी में था, लेकिन मैं उस चीज़ को छोड़कर भोलू भाई की छत के लिए भागा, क्योंकि यहाँ जो शौक में मज़ा आ रहा है उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमारा इंडिया भी किसी चीज़ में अब आगे आने वाला है। क्या फीलिंग सी महसूस होती है जब कोई कबूतरबाजी का भोलू भाई का कोई नाम लेता है कि 1100 कबूतर यहाँ उड़ रहे इलाके के अंदर, तो आपको क्या क्या फीलिंग सी मुझे एक कुछ फ़खर सा महसूस होता है? भाई फ़खर सा तो महसूस होगा क्योंकि हमारे इलाके का नाम हो रहा है माशाल्लाह से, हमारा इलाका जाना जाता है भोलू भाई के नाम से, बहुत अच्छी कबूतरबाजी है इनकी, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कबूतरबाजी देखने के लिए बहुत सारे आदमी भी आए हुए हैं, और माशाल्लाह से काफी अच्छा शौक है, कबूतर भी बहुत नायाब और हसीन है। बंद हवा के अंदर कबूतर बहुत लाजवाब उड़ा भाई, भाई आप कहाँ पास भाई? भाई कबूतर तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा उड़ रहा है, अल्लाह उड़वा रहा है। आज हवा नहीं थी बिल्कुल भी, यानी आज उम्मीद नहीं थी कबूतर, यानी कि जिसके 150 कबूतर होते हैं वो कबूतर भी सर पे बैठ जाते हैं, पर ये 1120 कबूतर का मतलब लापता हो जाना बहुत बड़ी बात है। ये तो अल्लाह का शुक्र है जो उड़ रहा है कबूतर, और हमारे भाई मुल्ला जी बहुत मेहनत करते हैं, अर्शद भाई बहुत मेहनत करते हैं, पीछे नहीं हटते कभी भी, आज तक मैंने इतनी छतों पे शौक देखे हैं, 150 उड़ते 200 उड़ते मैंने नहीं देखा आज तक कोई 1100 कबूतर उड़ाता हो जोड़ के, बहुत लोग उड़ाते हैं 800 700 900 जुड़ के किसी का नहीं उड़ता आज तक, मैंने तो नहीं देखा भाई किसी का जोड़ के उड़ता हुआ, और अल्लाह का शुक्र है आज तक भोलू भाई का सब लोग शौक देखते हैं, और बहुत फेमस है भाई हमारे, और कुश्ते पे भी उड़ा रहे अर्शद भाई हमारे, वो भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा उड़ा 550-600 कबूतर। आशकीन भाई इलाके के अंदर आज जमुना पार के अंदर पूरा जमुना पार जंगल आ रहा है, लोग छतों पे ऊपर चढ़ो के देखते हैं जी, अभी 2 मिनट रुको कि अभी एक लंगर खुलने वाला है यहाँ पर, एक लंगर खुलने वाला है, तो भाई लोग आप किस तरह की फीलिंग महसूस होती है तुम्हारे को जब लोग कहते हैं ये कबूतर उड़ रहे हैं बोलू भाई का, कैसे क्या चीज़ है? बस सब अल्लाह का काम है जी, हमारी कोई ताकत नहीं है, अल्लाह उड़वा देता तो उड़ जाते हैं, वरना हमारी तुम्हारी क्या ताकत है। और आशीन भाई आप पूरे जियो जान से लगे हुए कबूतर के अंदर, भाई लोगों से 100 कबूतर नहीं संभाल पाते और 1120 कबूतर जा रहे हैं, और आगे 400 कबूतर और जुड़ने का उसका टारगेट, 500 कबूतर और जुड़ने का मतलब 1600 कबूतर हो जाए। बस सब अल्लाह का काम है, हमारी कोई ताकत नहीं है, और जुड़वाता जी कबूतरबाजी के लिए इसके अंदर प्रधानमंत्री का भोलू भाई को औदा मिलना चाहिए मेरे हिसाब से भाई। मैं हमारे देश के मुख्यमंत्री मोदी जी हैं उनसे भी
वो क्या नाम है, रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी बहुत सिफारिश करूंगा कि उनको भाई कबूतरबाजी की लिस्ट के अंदर एक प्रधानमंत्री का अहदा देना चाहिए कबूतरबाजी की लिस्ट के अंदर, क्यों इस इंडिया के अंदर कबूतर जोड़ के उड़ाना 1120 कबूतर बहुत बड़ी बात है। और बाकी ये हमारा रोहित भाई है, ये बच बच के भाग रहे बड़ी देर से। रोहित भाई क्या देखा तुमने आज, गर्मी मौसम भी नहीं था, हवा भी नहीं थी। अरुण भाई देखा ये कि बंद मौसम था, बिल्कुल हवा नहीं थी बिल्कुल भी, हमारे उस्ताद को भी पसीना आ रहा था बढ़िया जब मेहनत कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी कबूतर जो गया मजा आ गया देखने में। मैंने भी जैकेट उतार के साइड में फेंक दी थी, मुझे गर्मी लग रही थी। आपने भी जैकेट उतार दी थी, आप भी कहते गर्मी लग रही है, ऐसा मौसम हो गया जैसे होली का मौसम होगा। आपने क्या कहना, में जब इलाके के अंदर बातें होती हैं कबूतरबाज 90% कबूतरबाजी हुई है, जितना कबूतर महंगा हो रही है उससे ज्यादा कबूतरबाजी हो चुकी है यहाँ पर, तो क्या लगता है क्या बातें होती है कहना मुझे? कुछ लोग अच्छा भी कहते हैं, कुछ लोग बुरा भी कहते हैं, पर ये एक हमारी इंडिया का इतिहास है, यानी में अगर लिस्ट बनाई जाए ना तो ग्रीन लिस्ट के अंदर नाम आना चाहिए बोलू भाई का। हमारे भाई बोलू भाई का तो तोड़ नहीं, रिकॉर्ड ये अपने खुद तोड़ेंगे और आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाएंगे, ऊपर वाला मालिक है। मेरी निगाह में तो मैं इन दोनों को जय गुरु कहता हूँ, उस्ताद बोलू उस्ताद दर्शक पूछते थे भी हमारे भी यही कहते हैं जय बीरू, जय इधर उड़ा रहा है बीरू उधर है, तो हमारे लाला भाई है वो कहते हैं बीरू के ये रहे, अब जय के देखो पीछे से आने वाले हैं। क्या बात है, देखो जय और बीरू की जोड़ी है हमारे अर्जत भाई और बोलू भाई और मोहम्मद नकी। मैं बोलू भाई के बचपन से करते हैं साथ में, जब ये इलाके के अंदर बातें होती होंगी क्या नाम है कबूतर 1100 होगी या आगे गोलू भाई 1500 होगी, तो क्या फीलिंग सी महसूस होती है, किस तरह किस टाइप की बातें होती है? माशाल्लाह दिल चौड़ा हो जाता है हमारा, हौसला अब हौसला बढ़ जाता है। और नहीं लोग क्या बातें करते हैं क्या नाम है, क्या गोलू भाई कबूतर उड़ाते हैं? माशाल्लाह सब लोग बाग तारीफ करते हैं, सारे मोहल्ले पड़ोस वाले गोलू भाई के साथ। भाई देखो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर ये जमुना पार से कबूतर उड़ रहा है, अगर ये जमुना पार से कबूतर उड़ रहा है गोलू भाई के छत पे से, ये पूरे जमुना पार का नाम है इसमें, ये मत सोचो क्या नाम है जी वो हमारे टाइम पे, इसमें अगर इलाके से कबूतर इंडिया का बाहर तो था ही था, बाहर लोगों ने शौक कर रखा है, वो तो हम यूट्यूब वगैरह से देखते हैं और बाकी हमने कभी शायद किसी एक आध बंदे ने देखा हो, पर ये एक इतिहास हो गया भाई ये 1120 कबूतर और बाकी 500 कबूतर और जुड़ना। और भाई मैं तो एक बयानता हूँ कि शौक को देखो, शौक को बढ़ावा दो भाई।